हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल, हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल, हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल, हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल। Mohammad Ayub, sir, director of Filbert branch, to please come on stage and address the parents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। माशाल्लाह आप लोगों ने आज अपने बच्चों के लिए वक्त निकाला, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और आप तमाम को मैं वेलकम करता हूँ आज के इस एनुअल डे फंक्शन में हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल खिलवत ब्रांच चादरघाट ब्रांच का है। और आप तमाम को मैं वेलकम करता हूँ और आप लोग को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला आज और अपने बच्चों के खातिर आपने वर्किंग डे में, माशाल्लाह मैं देख सकता हूँ कई सारे फादर्स भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो वर्किंग डे में आप लोगों ने वक्त निकाल कर यहाँ पर अपने बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए। बाबा जी प्रोग्राम चल रहा है, इधर आ जाइए बाबा जी, थोड़ा तो मैं बताना चाह रहा था कि आप लोगों ने जो वक्त निकाला है आज अपने बच्चों के लिए, क्या हुआ बाबा जी, उठिए। क्या हुआ बाबा जी, आप दो बार आ चुके हैं यहाँ पर। बेटा तेरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। अयूब तेरा नाम, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बेटा यहाँ पर मोबाइल की दुकान है, मोबाइल की दुकान। यहाँ एनुअल डे फंक्शन चल रहा है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मोबाइल की दुकान तो यहाँ नहीं है, क्या क्या मसला क्या है आपका? मेरा मोबाइल खराब हो गया है, हाथ पकड़ना बच्चा। आपके कांप रहे हैं हाथ, मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ। दी आराम से दीजिए। क्या हुआ मोबाइल? मेरा मोबाइल नहीं चल रहा है बाबा, देख लेना बेटा। मोबाइल तो चल रहा है, ठीक है, मोबाइल तो स्क्रीन भी बराबर है, मोबाइल आवाज नहीं आ रही है मोबाइल में। अच्छा ठीक है, मैं अभी चेक कर देता हूँ। फोन नहीं आता है इसमें, अभी मैं चेक कर देता हूँ। कब से प्रॉब्लम है आपके पास? ये 5 साल से फोन नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा। मेरा बच्चा मोबाइल देकर गया था, फोन आएगा बट अभी तक फोन नहीं आया। मैं चेक कर देता हूँ अभी, आप मैं अपने नंबर से मिलाता हूँ। ये देखिए आपका फोन तो चल रहा है ना, देखिए स्क्रीन भी आ रही है, नंबर भी आ रहा है, आपका फोन चल रहा है, खराब नहीं हुआ आपका फोन। सब यही बोलते हैं कि फोन ठीक है, मेरा फोन दे दे मुझे। बाबा जी आपका फोन ठीक है, फोन खराब नहीं हुआ है आपका? फोन सब ऐसे ही बोलते हैं, फोन ठीक है बट फोन ठीक नहीं है, मेरा फोन ठीक नहीं है। बाबा जी इधर आइए आप। अब क्यों ठीक नहीं है फोन आपका? आपका फोन बराबर तो है, सब चल तो रहा है। कैसा चल रहा है? मेरा बच्चा 5 साल पहले फोन देकर गया था कि बोला कि पापा मैं आपको फोन करूंगा बट अभी तक फोन नहीं आया है। तू झूठ बोलता है बेटा। फोन ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है, आपका फोन चल रहा है, एक मिनट इधर आइए। सब लोग झूठ बोलते हैं। एक मिनट, जहाँ तक मैं इनका मसला समझ सकता हूँ, आपका जो मसला समझ रहा हूँ,
मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं इनको, मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने बच्चों के फ़ोन कॉल के इंतज़ार में हैं और उनका फ़ोन आता नहीं है, तो आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं इनको। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे माँ बाप अब दुनिया में नहीं रहे, मैं चाहता हूँ उनसे बात करने के लिए बट कब्रिस्तान से आवाज़ नहीं आती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके बूढ़े माँ बाप है तो उनको फ़ोन कर ले, उनसे बात कर ले, वो इंतज़ार कर रहे हैं। मैं चलता हूँ बेटा, तू मेरा फ़ोन नहीं बना के दे सकता। बेशक बाबा जी की बात समझने वाली है कि हम में से जिसके माँ बाप हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी खिदमत करें, उनके ख़दमों में बैठें, उनके साथ बात करें। आप उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं हैं, अगर उनको बात करनी होती है तो कब्रिस्तान जाना होता है, कुछ सुनाना होता है तो खबर के पास बैठ कर सुनाना होता है। आप उनसे पूछो दर्द माँ बाप जिनके नहीं हैं, कितने हसीन दिन थे वो, जब हमें खुशी होती थी हम अपने माँ बाप के साथ उस खुशी को शेयर करते थे, माँ खुश होती थी, दुआएं देती थी, सर पे हाथ रखेंगे, वालिद का सर पे हाथ होता था, वालिद दुआएं देता था कि खुश रहो, आबाद रहो, माँ अपने दामन में हमें ले लेती थी, कितने हसीन दिन थे वो। और जब भी कोई परेशानी आती तो हमारे दिल को तसल्ली होती कि हमारे घर में माँ है, जाऊँगा अपनी माँ के पास, कदमों में बैठ के दुआ कर पाऊँगा। बाप है, डर नहीं लगता था कभी, मिलके जीत लेते थे, बाप का साथ साथ होता था। आज जिसके माँ बाप नहीं है उनसे इसका दर्द पूछो। जब भी मुश्किल वक्त आता है तो माँ बाप तो याद ही आते होंगे ना, मुश्किल वक्त में इंसान माँ बाप ही के पास तो दौड़ता है। जिसके माँ बाप नहीं है वो कितना अकेला पड़ जाता होगा मुश्किल वक्त में, वो सोचता होगा कि किसके पास जाऊं, किसके कांधे पर सर रख कर अपने आंसू बहाऊं, किससे दुआओं का कहूं, अकेला सा इंसान फील करता है। और जिनके माँ बाप है उनको नहीं चाहिए कि वो अपने माँ बाप के पास वक्त गुजारें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनको जो पसंद है वो उनके लिए वो चीज़ लेकर जाएं, उनको उनके लिए पैसा खर्च करने पर कभी उसको बोझ मत समझो, ये तो अपने लिए आप एक एजाज समझो कि आपका पैसा आपके माँ बाप की खुशी के लिए वो खर्च हो रहा है। कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ। अरे यही वो माँ बाप है जिन्होंने हमें हाथ पकड़ कर चलना सिखाया, यही वो माँ बाप है जिन्होंने हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सलीका सिखाया। आज यही बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, माँ को बोलते हैं कि आप वही पुरानी बातें करते हो, और बाप को बोलते हैं कि आप बैकवर्ड बातें करते हो, बाप को कहते हैं कि बैकवर्ड बातें करते हो, आप प्रोग्रेसिव हो जाओ, ओपन माइंडेड हो जाओ, ये अपने बाप से कहते हैं। आज मूवी थिएटर में 3-3 घंटे गुजारने का वक्त है औलाद के पास, मगर माँ बाप के पास 1 घंटा बैठ कर वक्त गुजारने के लिए टाइम नहीं है। आज सैर और तफरी करने के लिए लोग 2-2-3-3 दिन बाहर बैरूने मुल्क जाते हैं, मगर बैरूने मुल्क से कोई बेटा माँ बाप से मिलने आता है, ये सोचने वाली बात है। ये वही माँ बाप है जिनके लिए हदीस शरीफ में आया है जिसका मफहूम है कि अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देख ले तो उसे एक मकबूल हज का सवाब है। तो ये नेकी आपके घर में है, इतनी बड़ी नेमत आपके घर में मौजूद है, तो क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाएं, क्यों नहीं हम जाते, क्यों नहीं अपने माँ बाप के पास बैठते हैं, उनको मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, हम क्यों नहीं करते। मैं अपनी आप भी इतनी बताता हूँ, मेरे वालिद को गुजरे हुए 3 साल हो चुके और आज भी उनकी कमी महसूस होती है।
मैं दुआ करता हूँ कि हमारी इस बात ये बात हम तमाम के दिल में उतर जाए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. For your wonderful motivation.